नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी। रक्षाबंधन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी मित्रों को। मित्रों, बात करूंगा, जो रक्षाबंधन की बात करें तो रक्षाबंधन इस बार पिछले 7 साल बाद सबसे बेस्ट मुहूर्त लेकर के आया है। रक्षाबंधन अपने आप में दोस्तों खास है। रक्षाबंधन का जो पर्व है, एक बहन के लिए इतनी खुशी का त्यौहार माना जाता है, जो कि पूरी ज़िंदगी में शायद रक्षाबंधन और भैया दूज सबसे ज़्यादा अपने भाई की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहनें इस दिन बहनें दुआ करती हैं। दोस्तों, हर बार कुछ न कुछ ऐसी अड़चन आती है मुहूर्त में, कभी भद्रा आ जाती है, कभी पंचक आ जाते हैं, कभी और कोई दोष आ जाता है। दोस्तों, पिछले 7 साल बाद इस बार पहली बार 15 अगस्त को गुरुवार के दिन सौभाग्य योग मिल रहा है दोस्तों, जो कि अपने आप में बहुत ही खास योग है। इस दिन पूरा दिन आप कभी भी राखी बांध सकते हैं, यदि हो सके तो रात्रि को 9:40 से जो पहले का समय है वो पूरा का ही अच्छा समय है। रक्षाबंधन बांधने में इसमें वैसे कोई वहम नहीं है किसी प्रकार का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को उनकी बहन अपने द्रौपदी जी ने भी जो है भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी थी, उनके हाथ के ऊपर अपने अपने पल्लू से अपने कप अपने साड़ी से चीर जो फाड़ करके उन्होंने उनकी जब उंगली कटी थी भगवान श्री कृष्ण की चक्रव्यूह से, तब उन्होंने भी उनकी रक्षा के लिए, तो भगवान ने वरदान दिया था कि हे बहन, जब भी आप कहेंगे मैं आपके इस आज्ञा में उपस्थित होऊंगा, आपकी रक्षा करूंगा। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बात आती है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई, और उससे प्राचीन बहुत सारी इसके ऊपर कथाएँ जुड़ी हुई हैं। जो 15 अगस्त का दिन है, इसमें सारी बहनें पूरा दिन आप अपने भाई को राखी बांध सकती हैं, पूरा दिन आपका दिन शुभ है, इसमें कोई वहम नहीं है किसी भी प्रकार का। इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह होगी कि 15 अगस्त से 4 दिन पहले जो बृहस्पति देव जो मार्गी हुए हैं, जो कि अपनी राशि परिवर्तन किया, ये अपने आप में बहुत अच्छा है। गुरु बृहस्पति का मार्गी होना बहुत शुभ फलदायी है। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन जो है मकर राशि के चंद्रमा बहुत 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 शुभ फलदायी रहेगा, और मकर राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। दूसरा दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा उन बहनों को, 9:40 रात को, उसके पश्चात जब पंचक लग जाएंगे तो कोशिश कीजिएगा उससे पहले पहले आप राखी बांध दें। पंचक 5 दिन तक चलते हैं, और 5 दिन में फिर पंचकों में राखी बांधने को थोड़ा सा यहाँ पर शुभ नहीं माना जाएगा। दोस्तों, इसके अंदर रक्षाबंधन का जो विशेष जो पूर्णिमा तिथि जो रहेगी, पूर्णिमा तिथि का जो समय रहेगा वो 15 अगस्त को शाम को 5:58 तक रहेगा, और पूर्णिमा तिथि के अंदर यदि आप राखी बांधते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी रहेगा। और इस दिन और कोई वहम नहीं करना, आपने इस दिन गायों को चारा डालें और अपने भाई की लंबी आयु के लिए गरीब इंसान को खाना खिलाएँ, बहुत अच्छा रहता है। और अपने भाई अगर कहीं दूर है तो उनकी याद में आप कोई धर्म कर्म कुछ ना कुछ धर्म कर्म जरूर करें, किसी गरीब को खाना खिला दें, गौशाला में जाके हरा चारा डाल दें, ऐसे छोटा छोटा उपाय आप कुछ भी कर सकते हैं। नमो नारायण जी। मित्रों, आज्ञा दीजिए नारायण जी को, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।